नमस्कार दोस्तों। आई फ्लू एक तेजी से फैलने वाला रोग है और इसमें आंख की उस झिल्ली में सूजन और लालिमा आ जाती है जो कि आंख के आगे के हिस्से को ढककर रखती है। आई फ्लू आंख का एक रोग है जिसे कि वायरल कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है और ये रोग इन्फेक्शन पैदा करने वाले वायरस के कारण होता है। इनमें एडिनो वायरस, हर्पीज, सिंप्लेक्स वायरस, मिक्सो वायरस और पोल्स वायरस वगैरह शामिल है। वैसे तो आई फ्लू किसी भी उम्र में हो सकता है लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों में होते देखा गया है। यदि आप संक्रमित आंख को अपनी उंगली से छूते हैं तो आपकी उंगली वायरस से संक्रमित हो जाती है और उसके बाद यदि ये उंगलियां किसी स्वस्थ आंखों या आंखों के आसपास की जगह को छू लेती है तो उनमें भी आई फ्लू हो जाता है। आई फ्लू से होने वाले लक्षणों में आँख में लालिमा, आँख से अधिक पानी आना, आँख में जलन महसूस होना, धुंधला दिखाई देना और रोशनी के प्रति असंवेदनशीलता महसूस होना वगैरह शामिल है। कुछ सामान्य तरीके अपना कर आई फ्लू होने से बचाव किया जा सकता है, जैसे कि सामान्य स्वच्छता बनाए रखना, नियमित रूप से हाथ धोना, बिना धोए हाथों से आंखों को ना छूना, आंखों को ना मलना, आंखों को ठंडे पानी से धोना और जिन लोगों को आई फ्लू हो गया है उनके संपर्क से दूर रहना वगैरह। आई फ्लू के इलाज में कुछ प्रकार की आई ड्रॉप जो कि आँख में डालने वाली दवाएँ वगैरह शामिल हैं जिनकी मदद से आँख में सूजन और जलन को कम किया जाता है और ये रोग अक्सर अपने आप ठीक हो जाता है और ये बिना किसी प्रकार की गंभीर समस्या पैदा किए लगभग 3 दिनों के बाद ठीक हो जाता है। कुछ ऐसे मिथक भी हैं जिनके अनुसार यह संक्रमित आंखों को देखने मात्र से ही फैल जाता है लेकिन ये सत्य नहीं है। दोस्तों आई फ्लू एक प्रकार का आंख का इन्फेक्शन होता है जो कि वायरस के कारण होता है। आई फ्लू के कारण आंखों में लालिमा और सूजन जैसे लक्षण होने लग जाते हैं और ये इन्फेक्शन काफ़ी दर्दनाक और परेशान कर देने वाली स्थिति पैदा करता है और ये काफ़ी संक्रामक यानी कि तेजी से फैलने वाला रोग होता है जो कि एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है। दोस्तों बात की जाए कि आई फ्लू के लक्षण क्या होते हैं तो दोस्तों आई फ्लू में कई अलग अलग लक्षण पैदा हो सकते हैं जैसे कि आंखों में दर्द होना, आंखों से पानी आना, आंखों में खुजली होना, धुंधला दिखाई देना, आंखों में जलन होना, आंखें खुली रखने में कठिनाई होना, पलकों के बाल चिपकना, सिर दर्द होना, लंबे समय से आंखों में सूखापन रहना, आंखों में दबाव सा महसूस होना, आंखों के सफ़ेद हिस्से और पलकों में लालिमा होना, आंखों की पलकों के ऊपर पीले रंग का गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ बनना, रोशनी के प्रति संवेदनशीलता होना, आंखों में कुछ चले जाने जैसा महसूस होना। और बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए तो यदि आपको कुछ समस्याएँ महसूस हो रही है जैसे कि धुंधला दिखाई देना, आँख से कीचड़ या अन्य किसी प्रकार का द्रव या पदार्थ आना, आँख में लगातार दर्द महसूस होना, देखने में कठिनाई महसूस होना, यदि आई फ्लू बार बार हो रहा है, यदि घरेलू उपचार करने पर 2 या 3 दिन तक ये समस्या बनी रहती है, यदि आई फ्लू किसी बच्चे को हो गया है तो ऐसी स्थितियों में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आई फ्लू क्यों होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों सर्दी जुकाम का कारण बनने वाले वायरस के कारण ही आई फ्लू होता है। ये वायरस काफ़ी तेजी से फैलने वाली प्रकृति का होता है। जब संक्रमित व्यक्ति अपनी नाक साफ करता है या संक्रमित आंखों को रगड़ता है तो भी ये वायरस किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँच सकता है। आई फ्लू आमतौर पर दोनों आंखों में होता है। इसके अलावा आई फ्लू के साथ साथ कुछ प्रकार के श्वसन तंत्र के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जैसे कि खसरा, फ्लू या सर्दी जुकाम वगैरह। आई फ्लू बहुत अधिक संक्रामक इन्फेक्शन होता है और ये बहुत आसानी से फैल जाता है लेकिन ये इन्फेक्शन हवा के माध्यम से नहीं फैल पाता, सिर्फ संक्रमित सतह को छू कर ही फैलता है और इसीलिए ठीक से हाथ ना धोना ही इस वायरस के फैलने का सबसे मुख्य कारण माना जाता है। संक्रमित व्यक्ति का तौलिया और अन्य पर्सनल कपड़ों का उपयोग करने से भी आई फ्लू फैल सकता है और यदि आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसको आई फ्लू है तो लेंस को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना ना भूलें। दोस्तों बात की जाए कि आई फ्लू का खतरा कब बढ़ता है तो दोस्तों कुछ परिस्थितियों में आई फ्लू होने के जोखिम बढ़ जाते हैं, जैसे कि यदि आपको पहले ही फ्लू हो गया है, आप आई फ्लू से ग्रस्त किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, यहाँ सर्दियों का समय है, पुराने या टूटे हुए लेंस पहनना, कुछ लोग स्विमिंग पूल में नहाने के कारण भी आई फ्लू से संक्रमित हो जाते हैं। दोस्तों बात की जाए कि आई फ्लू से बचाव कैसे किया जा सकता है तो दोस्तों कुछ तरीकों की मदद से आई फ्लू की रोकथाम की जा सकती है, जैसे कि आंखों को साफ पानी या कुछ प्रकार के आई ड्रॉप के साथ धोने से आई फ्लू के लक्षणों से राहत मिलने लग जाती है। आँख के आसपास की त्वचा को नियमित रूप से धोते रहने से आँख धूल और कचरे से दूर रहती है जिससे कि इन्फेक्शन के जोखिम कम हो जाते हैं। अपने हाथ नियमित रूप से धोते रहें, इस बारे में सोचें कि आपके हाथ दिन में कितनी बार आपके चेहरे या आंखों के संपर्क में आते हैं। यदि आपके हाथों में धूल या रोगाणु वगैरह लगे हैं तो ये आसानी से आपकी आंखों तक पहुंच सकते हैं और इन्फेक्शन और अन्य जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। हमेशा पर्याप्त रोशनी में पड़ें, जितना हो सके फ्लोरोसेंट लाइट से बचना चाहिए क्योंकि ये रोशनी विशेष प्रकार की वाइब्रेशन पैदा करती है जिससे कि आँखें प्रभावित होती है।
बार बार पलक झपकाने से भी आंखों में सूखेपन की समस्या से राहत पाई जा सकती है। यदि आप लंबे समय से कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या किसी अन्य रोशनी वाले स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपके बार बार पलक झपकाने की आदत डाल लेनी चाहिए। अपना तौलिया, तकिया, कपड़े, चादर, आंखों का मेकअप, चश्मे और आई ड्रॉप वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। उचित आहार खाएं, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी हो। विषाक्त पदार्थों का सेवन ना करें, जैसे कि अल्कोहल या तंबाकू वगैरह। जब तेज धूप, ठंड या तेज हवा चल रही हो तो उसके लिए उचित चश्मे पहने। ऐसा करने से आंखों में खुजली और जलन वगैरह से बचाव किया जा सकता है। तनाव कम करने की कोशिश करें। तनाव को कम करने के लिए आप कुछ रिलैक्स तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मसाज, योग और मेडिटेशन करना वगैरह। अपनी आंखों को कभी ना रगड़ें। यदि आपकी आंखों में तेज खुजली हो रही है तो भी अपनी आंखों को उंगली से खुजलाने की कोशिश ना करें। पर्याप्त नींद लें, क्योंकि आपके शरीर के ठीक से काम करने के लिए और इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए हर रात 7 से 9 घंटे की नींद लेने की आवश्यकता होती है। जब आप कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करते हैं तो समय समय पर बीच में ब्रेक लेते रहें और अधिक छोटे आकार के अक्षर पढ़ने के लिए नज़र पर जोर ना डालें। छोटे बच्चों को दिन में कई बार हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि बच्चे अन्य बच्चों के साथ खेल रहे हैं या सार्वजनिक खिलौनों के साथ खेल रहे हैं तो विशेष रूप से बच्चों को अपने हाथ धोने के लिए कहें। कॉन्टैक्ट लेंस के कारण भी आँख बैक्टीरिया या वायरस वगैरह से होने वाले इन्फेक्शन से संक्रमित हो सकती है। कॉन्टैक्ट लेंस को हर बार उपयोग करने से पहले रोगाणु मुक्त कर लें और पुराने कॉन्टैक्ट लेंस को फेंक दें। तो बात की जाए कि आई फ्लू का निदान कैसे होता है, तो दोस्तों डॉक्टर लक्षण और संकेतों को देखकर और स्थिति से जुड़े कुछ सवाल पूछकर आई फ्लू का निदान कर सकते हैं। निदान के दौरान डॉक्टर आपके द्वारा महसूस किए जा रहे लक्षणों की गंभीरता और ये कितने समय से हो रहे हैं उनके बारे में पूछते हैं। आई फ्लू का निदान करने के लिए आमतौर पर इतनी जानकारी काफ़ी होती है। कुछ मामलों में डॉक्टर आपको आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास भी भेज सकते हैं, जिन्हें कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, और ये डॉक्टर आंखों का निदान करने के लिए रोशनी वाले उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। यदि आंखों से कीचड़ या अन्य पदार्थ आ रहा है तो इस स्थिति की जाँच करने के लिए स्वैब टेस्ट भी किया जा सकता है, और इस टेस्ट में स्वैब नाम के एक उपकरण की मदद से आँख से निकलने वाले द्रव से सैंपल लिया जाता है और निदान के लिए उसको लैब में भेज दिया जाता है। लैब में इन्फेक्शन और उसका कारण बनने वाले सूक्ष्म जीव की पहचान की जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आई फ्लू का जो इलाज है वो कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आई फ्लू आमतौर पर कुछ दिनों के अंदर अपने आप ठीक हो जाती है। यदि आई फ्लू किसी प्रकार के वायरस के कारण हुआ है तो उन मामलों में एंटीबायोटिक दवाई कोई भी मदद नहीं कर पाती है। आई फ्लू का इलाज उसके कारण पर निर्भर करता है। दिन में 3 से 4 बार प्रभावित आँख की ठंडी या गर्म सिकाई करने से और डॉक्टर द्वारा बताई गई कुछ प्रकार की आई ड्रॉप दवाएं इस्तेमाल करने से भी आई फ्लू के लक्षणों को शांत किया जा सकता है। इसके घरेलू इलाज की बात करें तो आई फ्लू के लिए कुछ घरेलू इलाज भी हैं, जो कि आई फ्लू का इलाज करने और उसके कारण हो रहे जलन और सूजन जैसे लक्षणों को कम करने में मदद करता है। बात की जाए बर्फ से सिकाई की, तो अपनी आँखों को बंद करें और पलकों को बर्फ के साथ सेकें। बर्फ को सीधे त्वचा पर ना लगाएं, उसको किसी कपड़े के साथ लपेट लें। धनिया की बात करें तो थोड़े धनिया के पत्ते लें और उन्हें पानी में उबाल लें। उसके बाद पानी को ठंडा करके छान लें और इस पानी के साथ अपनी आंखें धोएं। इस पानी से आंख धोने से आंख की सूजन और अन्य जलन जैसी तकलीफ जो है वो कम हो जाती है। आलू की बात करें तो एक आलू को काट लें और उसके टुकड़े को अपनी आँख पर रखें। रस की बात करें तो पालक और गाजर के जूस को मिक्स करें और नियमित रूप से इस जूस को पिए। भारतीय करौंदे की बात करें तो ये एक प्रकार का फल होता है जो कि नींबू जैसा दिखाई देता है, और भारतीय करौंदा का जूस पीने से भी आई फ्लू के लक्षणों में सुधार होने लगता है। गुलाब जल की बात करें तो अपनी आंखों में 1 या 2 बूंदें गुलाब जल की डालें, इससे आँख साफ हो जाती है। टी बैग की बात करें तो नम कैमोमाइल टी बैग को पलकों पर रखने से आई फ्लू के लक्षण शांत होने लगते हैं। गेंदे के फूल की बात करें तो आंखों को धोने के लिए गेंदे के फूल के रस का उपयोग भी किया जा सकता है। सिकाई करने की बात करें तो कोई छोटा तौलिया या कपड़ा लें और उसे पानी में भिगो लें और उसके बाद कपड़े या तौलिए से पानी निचोड़ दें और उसको आंखों पर रखें। त्रिफला की बात करें तो भारत में ये काफ़ी प्रचलित आयुर्वेदिक औषधि है, और त्रिफला को पानी में भिगो लें और फिर पानी को छान कर अलग कर लें और इस पानी के साथ आँखों को धोएं। इसके अलावा पानी में त्रिफला का पाउडर मिलाकर इस पानी के साथ आँख को धोया भी जा सकता है और उसे पिया भी जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आई फ्लू से क्या क्या जटिलताएं या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों अधिकतर मामलों में इस रोग का इलाज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप ठीक हो जाता है। आई फ्लू बिना कोई गंभीर समस्या पैदा किए लगभग 3 दिनों के भीतर ठीक हो जाता है। आई फ्लू के कारण कभी कभी कॉर्निया में सूजन और लालिमा आ जाती है, जो देखने की क्षमता प्रभावित कर सकती है। कॉर्निया संबंधी समस्याएं होने के खतरे को कम करने के लिए आई फ्लू की समय पर जाँच और इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होता है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।